हे गाइज़ राधे राधे वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाइज़ यहाँ पे मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस टाइम से मतलब मॉर्निंग के वही आठ साढ़े आठ बज रहे हैं क्योंकि मैंने एकदम मॉर्निंग में ब्लॉग मैं इसलिए नहीं शूट करती क्योंकि एकदम जब मैं उठती हूँ तो एक तो एकदम से अंधेरा रहता है और अंधेरा रहता है तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आता क्या ब्लॉग शूट करना फिर उस टाइम पे मुझे योगा करना रहता है फिर मॉर्निंग वॉक जाना रहता है तो मैं ना इसलिए उस टाइम पे ब्लॉग शूट करती ही नहीं हूँ और लेकिन मैं उसका रूटीन भी लेकर आऊँगी और यहाँ पे हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए देख सकते हैं आप हस्बैंड के साथ में यहाँ पे चल पड़ी यहाँ पे ज़ोर शोर से तैयारियाँ हो रही थी राम जी के आगमन में और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा रे रस था और रस के कारण मैंने अपने बेटे को नहीं लाया जबकि आज वो गया नहीं है वो इस, स्कूल की छुट्टियाँ हैं कोचिंग की छुट्टियाँ हैं तो वो घर में ही था मैंने उसे इसलिए नहीं लेके आया और इतना अच्छा लग रहा था मतलब रायपुर में बहुत ही अच्छा लग रहा था भजन कीर्तन जगह जगह मंदिरों में हो रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ गई थी मंदिर और यहाँ पर मंदिर में हस्बैंड ब्लॉग बना रहे थे उन्होंने ब्लॉग शूट किया था क्योंकि मोबाइल उन्हीं के पास में था उसके बाद ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत भीड़ होगी बट भीड़ नहीं थी तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं आ गई हूँ मंदिर और अभी यहाँ पे कुछ सामान लेना है तो ख़रीदना है मंदिर पूजा पाठ करने का तो वो सामान ले लेते हैं उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे तो हस्बैंड जाएंगे सामान लेने के लिए तब तक मैं अपने भोले बाबा को प्रणाम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं तो सामान वामान लेकर आते हैं और नारियल वगैरह और जो भी है जो जो चीज़ें लगती है चढ़ाने की तो वो सब चीज़ें लेकर आएंगे उसके बाद फिर मैं आराम से करूँगी पूजा अभी तो दूसरे लोग कर रहे हैं आप देख सकते हो तो बोले बाबा को आप सभी भी प्रणाम कर लीजिए उसके बाद हस्बैंड लेकर आ गए थे सब सामान और उसके बाद फिर हम दोनों ने मिलकर करी पूजा साथ में बैठ कर यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद फिर हम पंडित जी से मिलेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे तो जहाँ पे देख सकते हैं आप हमने कर ली थी पूजा उसके बाद ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मजाक उड़ाते उड़ाते मैंने कहा अब मेरे से बात मत करो थोड़ी देर के लिए फिर उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे हर हर महादेव हर हर महादेव कर रहे थे और बस हो गया उन इन्हीं के साथ मैं भी लग पड़ी थी हंसी मजाक चल रही थी उसके बाद पंडित जी का वेट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे ही खड़े भी थे कि अच्छा लग रहा था मतलब माहौल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आज का दिन और बहुत ही खुशी का माहौल था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज यहाँ पे हस्बैंड देखो कैसे चढ़ा रहे पता नहीं क्या बोल रहे थे मुझे भी याद नहीं है पर कुछ चढ़ा रहे थे ये मुझे याद है कि कुछ हंस रहे थे मुझे मे, मेरे को ही लेके कुछ कर रहे होंगे कॉमेडी तो बस फिर हम लोग ऐसे खड़े रहे थोड़ी देर के बाद फिर पंडित जी से मिले उसके बाद फिर हम गए दूसरे मंदिर आ, मतलब एक और बाजू में ही मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है तो अब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे कर लेते हैं पूजा पाठ और वहाँ पे तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल मांगा दे दो मुझे ब्लॉग शूट मैं खुद कर लूँगी तो उन्होंने बोला नहीं मैं मैं करूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चल पड़ी वो कुछ और करने लगे पता नहीं किससे बात करने लगे तो मैं चल पड़ी और फिर यहाँ पे मैं आराम आराम से जा रही थी कि जिससे वो भी आ जाए साथ में तो ये देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पर ज़्यादा अभी भीड़ नहीं था बट शाम के टाइम पर बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि बहुत तैयारियाँ चल रही थी ज़ोर शोर से यहाँ पर तो मैं अब जा रही हूँ हनुमान जी के मंदिर वहाँ पे करूँगी पूजा और यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं लोग बाग यहाँ पे सुबह सुबह नहीं जब मैं आती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए तो यहाँ पे योगा चलता रहता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे सब लोग योगा करते रहते हैं खेलते रहते हैं बच्चे तो अच्छा लगता है और यहाँ पर ये जोर शोर से शो तैयारियाँ चल रही थी तो ये देख सकते हैं आप और फिर मैंने इसको हटाया और फिर मैं जा रही हूँ अब अंदर और फिर मैं यहाँ पे भी दिया बती करूँगी क्योंकि शाम के टाइम का क्या है मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं मंदिर आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी इसलिए मैं सुबह ही आ गई थी और ये यह यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ वैसे तो मैं हमेशा ही आती हूँ जब यहाँ पे हर मंडे को आती हूँ तो फिर यहाँ पर दिया बत्ती करना ही होता है मुझे तो वो मैं अपने रूटीन के अकॉर्डिंग भी आई हूँ और फिर आज खुशी में भी आई हूँ क्योंकि राम जी के आने की खुशी के मैं भी आई हुई हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से पूजा पाठ और हस्बैंड से बात भी कर रही थी और आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ये भी बताना क्योंकि आज थोड़ी सी साड़ी वाड़ी पहनो तो कुछ अलग ही लुक रहता है ना तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अपने लाला की पूजा अभी तक नहीं की मुझे जब मैं जब तक मैं लाला की पूजा नहीं कर लेती ना उनको नहला धुला नहीं लेती उनको भोग नहीं लगा लेती तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता चैन ही नहीं पड़ता मुझे फिर मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है फिर लेकिन मैं यहाँ पे आई यहाँ पे पूजा पाठ किया तो मुझे बड़ी सुकून सा बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये मंदिर तो हमेशा ही आती हूँ तो गाइज़ यहाँ पे पहले यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे ये तीन परिक्रमा लगाया और फिर फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम जाएंगे घर तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से परिक्रमा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये यह पंडित जी बैठे हुए हैं ये पंडित जी जिनसे हम बात कर रहे थे उनके ये बेटे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर हमारे घर के नियर में ही है बस स्टैंड के सामने में ही है तो यहाँ पे तो हमेशा ही आते ही हम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आके उसके बाद मैं घर आई और उसके बाद मैंने यहाँ पर रंगोली डाली रंगोली डाल के और उसके बाद फिर क्योंकि ना मुझे फिर टाइम मिलता नहीं है जल्दी से तो मैंने सोचा कि चलो पहले रंगोली बना देते हैं उसके बाद फिर मैं अपने लाला की पूजा पाठ करूँगी लाला की पूजा पाठ किया उसके बाद जितना और सुंदरकांड करना जो जो भी जो जो मतलब करना था वो सारा कुछ किया पूजा पाठ किया यहाँ पे हस्बैंड भी आज साथ में पूजा कर रहे हैं देखो मेरे वरना ये मेरे साथ में बराबर बहुत कम ही बैठते क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है तो यहाँ पे हम दोनों ने मिल बाट के करी पूजा पाठ में बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज अच्छे से हम दोनों ने साथ में पूजा पाठ करी तो और फिर खाना वाना मैं बाद में बनाऊंगी आराम से बनाऊंगी क्योंकि क्या होता है कि फिर मुझे हड़बड़ हड़बड़ मैं खाना बना के फिर बैठती तो फिर मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता और देखो मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं ये तीनों तीनों इनका स्थान ही बहुत सुंदर लग रहा है ये तीनों बैठे यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर मेरे लाला हैं और बस इतना प्यारा स्थान लगता है मुझे अपना अपने ही मंदिर की नज़र ना लग जाए ऐसा लगता है बहुत सुंदर लगता है मुझे जब मैं यहाँ पे पूजा करके उठती हूँ तो मुझे बहुत टाइम तक मैं ऐसे देखते रहती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी ना और वह फिर हो गया कर लिया पूजा पाठ उसके बाद फिर हम लग पड़े खाना बनाने के लिए मैं खाना दाल चावल बना ही रही थी उसके बाद ये भाजी है ना जो पालक की भाजी तो इसको मैं कट करके इसलिए रख ले रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ये ये काटने में इतनी झंझट लगती है मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब ना इसी में होता है ये पा भाजी वाजी काटने में और मटर छीलने में तो मैं ये सब काम को पहले से ही निपटा के रख लेती हूँ देखो अभी हालत हो गई ख़राब क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने रंगोली बनाई फिर बहुत टाइम तक की पूजा पाठ हो गई पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना बनाना तो मतलब दो ढाई बज रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है और इस टाइम पे मुझे ये बहुत टाइम हो गया था पूजा पाठ करने के टाइम पे ही मतलब लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया खाना खाने और मैं एक दिन पहले से मेरा एकादशी का व्रत था तो मैं उस दिन भी खाना मैंने नहीं खाया और फिर ये दूसरा दिन भी हो गया तो तीन तो वैसे ही बज रहे होंगे तो गाइज उसके बाद फिर हम यहाँ पे खाना पीना खाएंगे और फिर ये हो गया शाम और अब मैं ये शाम के समय मैं फिर से मंदिर आई थी क्योंकि मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था मुझे फिर से मंदिर जाना था मुझे देखना था कि शाम के टाइम का माहौल कैसा है तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया मुझे काम में चलो यहाँ पे मैं क्योंकि हमेशा आती हूँ ना तो ये मुझे पहचानते हैं तो इन्होंने लगा दिया मुझे काम पर कि इसमें बत्ती वत्ती रखो और सारी चीज़ों की तैयारी प्रप्रेशन करवाओ तो ठीक है फिर हम इनकी बात माने हम और हम मैं भी बैठ गई यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए मतलब पूजा पाठ का क्या बोलना चाहिए उसको तैयारी करवाने के लिए पूजा पाठ करने के लिए नहीं यहाँ पे ये महाआरती के लिए बत्तियाँ रेडी करवा रहे थे तो हम दोनों हमेशा आते हैं करके इन में पहचानते हैं तो यहाँ पे बस तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दिया था और गाइस जो भी एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होगी उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं रहती हूँ रेंट के रूम में और यहाँ पे और भी लोग रहते हैं तो उस इग्नोर ही की, कीजिएगा गाइज और थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम समझिएगा क्योंकि आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा और सपोर्ट आप ही करेंगे तो गाइज़ ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रख दिया है और अब बहुत ही अच्छा लग रहा था और जब ये इसको जलाएंगे ना दिया को तो और भी सुंदर लगेगा और बस थोड़ी सी प्रप्रेशन जो हमसे बन पड़ा हमने उतना किया और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम मुझे अपने लाला की पूजा करनी है क्योंकि मैं शाम के टाइम अपने लाला को ज़्यादा टाइम के लिए मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ मुझे मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको छोड़ के कहीं जाऊँ तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर आ गई क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था बहुत टाइम तक और फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुद भी पूजा पाठ करी दिया जलाया और यहाँ पे पूजा पाठ किया मुझे बड़ा अच्छा लगा आज मैं मतलब इतने अच्छे से पूजा पाठ हुई तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ऐसे पूजा पाठ करके और ये देख सकते हैं आप ये सारा कुछ जितना जो हमसे बन पड़ता है हम प्रेपरेशन कर लेते हैं और इतनी प्यारी सी रंगोली मैंने डाल दी थी बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये मेरे आम, क्या बोलना चाहिए मेरे बालाजी कान्हा इनका स्थान है यहाँ पे मैंने इनको अलग से इसलिए बैठा दिया क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और उनका इतनी बिग ड्रेस है ना तो इसीलिए बैठा दिया तो गाय राधे राधे मिलते हैं